आज लगभग 6 से 6:15 बजे के बीच में अचानक होली के अमरनाथ के ऊपर से लगातार पानी का तेज बहाव आने लगा और एक नाले की सूरत में वो नीचे के क्षेत्रों में आने लगा। वहाँ पर जो नैरो वैली है उस इलाके में कई सारे टेंट लगे हुए थे। जो सुरक्षा बल थे उन लोगों ने लगातार लोगों को वहां से निकालने का काम किया और 10 से 15 मिनट में ही पानी का जो बहाव था बहुत तेजी से टेंटेचर्स को लेकर आगे बढ़ गया। काफी सारे टेंट बह गए, 20 से 25 टेंट बहने की हमको सूचना मिली है। और उसी समय लगातार जो ITEP के जवान थे, JKP और SDRF, CRPF, NDRF, इंडियन आर्मी, जितने भी लोग थे सब लोग लगातार वहां पर सुरक्षा के लिए तैनात हो गए लोगों के, और लोगों को वहां से निकाला जाने लगा। काफी लोगों को रेस्क्यू भी किया गया जिससे कि कैजुअल्टीज को कम से कम किया जा सके। अभी जो हमको सूचना है 5 लोगों के नदी के बहाव से शव बरामद किए गए हैं और लगातार वहां पर अभियान चलाया जा रहा है। रात हो चुकी है लेकिन फिर भी हम इस अभियान को चला रहे हैं। हम ऐसी आशा कर रहे हैं कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस अभियान को लगातार जारी रखा जाएगा। सभी फोर्सेस के बीच में काफी बढ़िया कोऑर्डिनेशन से वहां पर काम हो रहा है और स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी हमको लगातार मदद मिल रही है। जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स, जो संसाधन है, उसके साथ मिलकर हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वहां लोगों को शिफ्ट करके ठीक से जगह में रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। और काफी सारे जो टेंटेज हैं ऊपर की तरफ भी पिच करने करने की तैयारी की गई है, लोगों को वहां रखा गया है और हमें कोशिश करेंगे कि रात को वहां पर लोगों को ठहराया जाए। साथ ही उनके खाने का और बाकी सारा प्रबंध भी, वहां पर दवाइयों आदि का प्रबंध वहां पर किया जा रहा है। यात्रा फिलहाल रुकी हुई है और अगर पानी का बहाव कम होता है और अगर मौसम ठीक होता है तो जल्दी से जल्दी यात्रा को फिर से स्थानीय प्रशासन जैसा उचित समझेगा शुरू करेगा। और हमारी जो टीम्स हैं, जो सुरक्षा बल हैं, वहां पर जितने भी तैनाती हैं, सब मिलजुल कर उस यात्रा को फिर से शुरू करेंगे। फिलहाल स्थिति यह है कि पानी का स्तर जो है वो स्थिर है, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ा है और बारिश रुकने से ऐसी भी संभावना है कि शायद थोड़ी देर में पानी कम हो, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार आगे जो कार्रवाई है वो सुरक्षा बलों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।